वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो यार। तो भाई आज सनरूफ वाली जो सीरीज चली है हमारी, उसका तीसरा पहले दिन छोड़ी, तीसरा दिन है आज। तो यार आज हल्की हल्की बाहर धूप लगी है, थोड़ा सा मौसम साफ है, दिल में थोड़ी सी खुशी हो रही। नहीं तो यार सारे बोलते 25 तक मौसम खराब है खराब, आज मौसम थोड़ा ठीक है तो दिल में थोड़ी सी राहत है। तो आज के सीन में मेरे को सुबह सुबह फ़ोन आया मामू का, बोला मैंने ऊपर का जो रूफ़ होती है शीशा वो डाल दिया और नट्स वगैरह कस दिए और दोबारा से उसमें ट्यूब डाल के उसको चिपका के रख दिया है, बोला। और मैंने अभी धूप में निकाल के रखी है। तो यार अभी जाता हूँ, फोटोज़ ने वीडियो भेजी थी, मतलब वो क्या था वीडियो कॉल यार, बोला अभी नहीं था, वीडियो कॉल किया था उनने, तो उसमें बताया कि भाई कि चिपक गया है, वो चिपका दिया मैंने, आ जाना फिर अभी जाके देखते हैं। तो यार मैं पहले ही बता दूँ यार, देखो जो हम ये सनरूफ लगा रहे हैं ना, ये वो नॉर्मल लेंटर है, उनने कभी ये सनरूफ जैसी चीज़ें कभी नहीं लगाई है उनने, ना उनको पता है कि क्या चीज़ कैसे लगती। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं, अब पता नहीं कैसे लगी कि बस तुक्का ताक्की में लगे हुए अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से लगे। थोड़ा मैं बता रहा हूँ कुछ वो कर रहे हैं, करते हुए हमने लगाए। भाई मैंने भी कभी सनरूफ ना लगते हुए देखी है ना कुछ, बस मैंने भी लगी लगी देखी है और थोड़ा सा मैकेनिज्म पता था, खुद अपने हिसाब से जुगाड़ कर रहे हैं। अब देखते हैं यार ये जुगाड़ कितना सक्सेसफुल होता है, पानी आएगा नहीं आएगा अभी कुछ नहीं बोल सकते यार उसमें, क्योंकि हमने कल ना उस सनरूफ के और जो लॉक्स है वो भी टाइट किए, कहीं वो ज़्यादा टाइट तो नहीं। सारी टेस्टिंग होगी पूरी, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट वो दिखा दूंगा कि कैसा कैसा वो लगाया और हमने किस किस चीज़ से चिपकाया हुआ है। और बाकी ऐसे जुगाड़ तरीके से लगाई है ना हमने भाई, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखी होगी आप भी सोचेंगे भाई ये बंदे कर क्या रहे हैं, छत काटिए यार। भाई लोग ना 10 बार सोचते हैं छत काटने से पहले, छत काटना लीकेज की दिक्कत आजकल वैसे ही आपको पता है महिंद्रा के उससे कितनी वो चली हुई है कि भाई सनरूफ में लीकेज की दिक्कत, फिर भी भाई डर ही नहीं है कोई ना। अगर ज़्यादा बस सड़ हुई तो वो जो चादर है वही उसको दोबारा से बेल्ट करके वापस से चिपका देंगे, ज़्यादा कोई बस सड़ ही नहीं। मैंने पहले ही सोच रखा था अगर कोई ज़्यादा बस सड़ आई तो उसी चादर को दोबारा बेल्ट करके लगा दूंगा। या बाकी चढ़ो वो बात की बात है, भगवान ऐसा ना हो, अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जाता हूँ मैं वहाँ पे, देखता हूँ क्या क्या सीन होगा, फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलो तो यार अभी हम लोग आगे, आपने गाड़ी देखने और यहाँ धूप में खड़ी की और ये देखो सनरूफ यार, विश्वास करोगे भाई अपने जुगाड़ जुगाड़ में सनरूफ फिट हो गई है। ये देखो यहाँ पे लग चुकी है भाई पूरी की पूरी सनरूफ यार, देखो खुली रखी, इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो ये बंद और ये देखो पूरी हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से लगी है। इसको दोबारा से सीलेंट लगा रखा है अभी व्हाइट कलर में, इसलिए दिखा कि व्हाइट सीलेंट है, अभी इसके बाद ये पूरा प्रॉपर दोबारा से पेंट होगा फिर पता ही नहीं चले। यहाँ से थोड़ा सा ना ये उठा हुआ दिख रहा है यार, अब इसका सीन में कुछ समझ नहीं आ रहा, जो उठा हुआ दिख रहा है ना भाई इसका क्या जुगाड़। यहाँ से हमारे को चादर थोड़ी सी और ऊपर उठानी पड़ेगी या कुछ इसका अब जुगाड़ करना पड़ेगा, जो मेन टास्क है अब हमारे लिए ये रहेगा भाई। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये दिक्कत दे सकता है 110%, क्योंकि यहाँ पे लीकेज की दिक्कत आ ही सकती है। और यहाँ चेक करो आप, नीचे चेक करो, नीचे से भी देखो पूरी सीलेंट, अंदर से पूरी की पूरी सीलेंट लग चुकी है यहाँ पे। और यहाँ से तो मेरे को लग नहीं रहा कहीं से भी पानी आने के चांसेस रहेंगे। इसकी अगली वीडियो जो आएगी उस वीडियो में पूरे क्लियर हम, जहाँ पे महिंद्रा ने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो एन चेक कराई थी ना उसके लिए वाटर लीकेज के लिए, हम भी वहीं ले जाएंगे, वहीं पे अपनी गाड़ी की टेस्टिंग कराएंगे सनरूफ की, अगर वहाँ पास तो सारी जगह पास, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चेक करो कुछ कैसी लुक आ रही है, बाकी एक अराउंड आपको गाड़ी की ओवरऑल लुक भी दे देता हूँ मैं कैसी आ रही है। देखो यहाँ से इसको खोल के दिखाते हैं, यहाँ देखो एक स्टेज वन में ऐसे खुलती है, दूसरी इतनी खुलती है और तीसरी इतनी ऊपर होती है, यहीं पे टिकती है, ठीक है। और अब आप यहाँ से देखो फ्रंट से इसकी, तो चेक करो यार यहाँ से कैसे लुक आ रही है फ्रंट से, देखो भाई सेक्सी। यहाँ पे ना खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे भी हम कोई चीज़ लिखेंगे बढ़िया सेक्सी जैसी। और यहाँ देखो साइड से इतनी कर ओपन हो रही है और ये पूरी की पूरी बाहर, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका पूरा का पूरा बाहर भी निकलता है, इसे मतलब इजीली एक बंदा तो निकल ही सकता है। ये हम अभी गिल्ला है, अभी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे नहीं, कल ही करेंगे इसकी टेस्टिंग। साइड से कुछ ऐसी दिख रही है और ये देखो बैक से कुछ ऐसी सी लुक आ रही है इसकी भाई, बहुत मतलब सही सी लुक है, ज़्यादा खास। अभी इसके बाद ना इसका एक कवर है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये कवर भी लगना है पूरी नीचे से, तब जाके अभी इसमें फिनिशिंग होगी। इसके बाद इसकी जो चादर है जो हमने पूरी चादर खोल रखी वो भी लगेगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ यार भाई कैसी लग रही है आपको, क्या ये सनरूफ लगाने का डिसीजन सही है कि नहीं है भाई, जो हमने छत्ती काट रखी आप लोग बताओ कैसी लग रही है। मेरे को तो ओवरऑल ठीक ठाक ही लग रही है, बाकी देख लो आपकी कैसी लग रही है, ठीक है।
बाकी आप लोग कमेंट करो, बाकी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, उसमें आप अपनी राय दो। बाकी ये वाली चीज़ के लिए भी बताओ, ये फेंडर फेस लगाया जाए कि नहीं, इनको मैं ग्रीन ही करूँ कि ब्लैक करूँ, ये आप लोगों के ऊपर है। जो आप लोग बोलोगे उस कलर पे मैं इनको पेंट कर दूंगा। वैसे मेरा मानना है ब्लैक, क्योंकि रैप तो चेंज होना ही है, उसके बाद देखते हैं इसको ब्लैक, और यहाँ पे इसको भी ब्लैक ही होना है। बाकी अभी बोनेट पे भी एक और चीज़ आने वाली है, बोनेट के ऊपर भी अभी हम कुछ सोच रहे हैं कि बोनेट के ऊपर किया जाए, बंदे से पूछते हैं, अगर उनको सही लगेगा तो वो वाली चीज़ भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको सूखने देते हैं और हम चलते हैं दुकान। आज के दिन इसको पूरा का पूरा सूखने देते हैं और कल इसकी हम टेस्टिंग करेंगे और इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। चलो